गोल्डस्मिथ की एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको सोने की माला की जानकारी दी जा रही है कि सोने की माला किस प्रकार तैयार होती है। देखिए, सबसे पहले कम से कम सोने की माला के लिए यदि हमने पूर्ण रूप से सोने की माला तैयार करनी है उसके लिए 6 तोले सोना चाहिए। 6 तोले सोना की सबसे पहले हम गोल गोली तैयार करेंगे, वो भी सुराख वाली। गोल गोली सुराख वाली लेकर के उसमें से एक बारीक तार गुजार दी जाती है और उसे पिरो दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर डिजाइनिंग कर दी जाती है। उसके बाद वो माला तैयार हो जाती है। दूसरा, नगों वाली मालाएं तैयार की जाती हैं। नगों में पुखराज आता है, नीलम आता है और खासकर मोतियों की माला। ये मेरे पास आप देख रहे हैं, ये छोटा सा मोती है, इसके अंदर बीच में तार गुजारी गई है और तार किस प्रकार से मोड़नी है देखिए, आपको मैं थोड़ा सा मोड़ने की कला भी सिखा देता हूँ। ये तार बीच में से गुजारने से पहले इस तार को भी घुमा दिया जाता है, ये ऐसे घुमा करके और इसको बीच में से जैसे ये गुजारी गई है तो इसको ऐसे घुमा दिया जाएगा। इसको एक और डाई की कटी हुई प्लेट लगाकर, इस प्रकार से प्लेट लगाकर इसे गोल घुमा दिया जाएगा। देखिए किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गोल घुमा दी गई है। और गोल घुमाने के बाद इस तार में से दूसरी तार निकाल करके बीच में ऐसे डाल दी जाएगी और एक दूसरे मोती के अंदर फिर दूसरा मोती लग जाएगा, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कम से कम 60-70-100 दाने मोतियों की माला तैयार हो जाती है। और उसमें खर्चा भी कम लगता है, उसमें 20 ग्राम सोने तक ये माला तैयार हो जाती है। नहीं तो पूरी यदि तैयार करानी हो तो उसमें 50 से 60 ग्राम लग जाते हैं। ये अपनी समर्थता के अनुसार है, जिसके पास जितना सोने को खर्च करने की कैपेसिटी है, समर्थता है, वो उसी के हिसाब से वो माला बनवाता है। और आगे पुखराज की माला, आगे फिर पन्ने की माला, मोतियों की माला तो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। माला पहनने के शौकीन बहुत लोग हैं जो सिर्फ राशि के अनुसार पहनते हैं और कई बिना राशि के भी पहन, हाँ, हमने लोगों को पकड़ में ज़्यादा ही रुचि डाल दी है चैनलों के माध्यम से, किंतु जो नग हैं ये रुचि के अनुसार से ही डाले जा सकते हैं। जिसको जो पसंद हो नग, वो उसी हिसाब से उसे माला पहनाया, माला बना सकते हैं। माला और यदि सोने की माला में आपको गोल भी नहीं पसंद है तो सिर्फ तारों की माला के से भी बनाया जा सकता है कि गोल तारों में से गोल तारे निकाल करके उसे कई तरह के आकार दिए जा सकते हैं और वो उसमें से कुंडे डाल करके उसे, जैसे मैंने आपको बताया है, गोल घुमा दिया जाता है इस छोटे से प्लास से। और इसी प्रकार मंगलसूत्र भी पिरोए जाते हैं, उसमें काले दाने, गोल काले दाने जो जिसके अंदर सुराख होते हैं, वो डाल करके धीरे धीरे उसे पिरो दिया जाता है। उसी प्रकार का मंगलसूत्र भी तैयार हो जाता है, इसी प्रकार मालाएं तैयार होती हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी बात मालाओं के बारे में बताई। अब अगले भाग में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।